हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि आपका भी बच्चा बहुत क्रोधी हो, गुस्सा करता ही रहता हो, ठीक तरीके से बात ना करता हो, अपशब्द बोलता हो, गलत संगति में जा रहा हो, पढ़ाई बिल्कुल भी ना करता हो, अपने घर वालों की बात को अनसुना कर देता हो, तो ये शिव पुराण का उपाय ज़रूर करें। दोस्तों एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने की हर एक महीने में एक शिवरात्रि पड़ती है, तो उस शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर लाल चंदन और शहद से जो बच्चा गलत संगति में जा रहा हो, क्रोध ज़्यादा करता हो, अपशब्द बोलता हो, पढ़ाई न करता हो, उसी बच्चे की हाथ से शिवलिंग पर लाल चंदन और शहद से शिवलिंग पर लेपन करवाएं। चाहे आपका बच्चा 12 साल का हो या 25, जो भी गलत संगति में जा रहा हो, अपनी जिम्मेदारी, अपनी पढ़ाई को न समझता हो, घर वालों की बातों को न मानता हो, बाहर वालों की बातों को सही समझता हो, उस बच्चे से ये उपाय जरूर करवाएं। आप खुद देखेंगे उसका क्रोध, उसका चिड़चिड़पन, उसकी गलत संगति अपने आप हटने लग जाएगी। वो बालक, वो बच्चा पढ़ाई भी करेगा, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेगा, धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा और अपने घर वालों की बात भी मानेगा। ये चमत्कार आप खुद ही एक शिवरात्रि या दो शिवरात्रि आप ये उपाय करवाएंगे बच्चे से और आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा।